هیچ چیز میره عزیز. सलाम वालेकुम भाई दोस्तों, क्या हाल चल रहा है। फाइनली आपका भाई आ गए एक और न्यू स्पेशल वीडियो के साथ। देखो भाई, इस वीडियो के अंदर हम प्रिक रेट ओपनिंग करने वाले अर्पिक रेट की 10,000 से ऊपर जो है ना मेरे पास पॉइंट पड़े, प्रिक के पॉइंट है सारे के सारे। इनमें से 3,000 मैंने निकाले थे, वो जो 100, 200 यूसी पे मिल रहे वॉच टाइम वाले, वो भी मैंने निकाले और भी मेरे पास ज़्यादा पड़े थे। हर एक बंदे के पास जो है ना 4,400 तक बिल्कुल फ्री में आ जाते हैं। खैर, क्रिएट ओपनिंग फिर कर लेना लास्ट दिन पे, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि क्या तुम्हें मिला था। तो उससे पहले एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आते ही इधर पबजी मोबाइल रिडीम जो है ना सर्च करना है किसी भी ब्राउज़र के अंदर, फिर उसके बाद इस पेज पे तुम्हें आना है, ठीक है। इधर जो है ना ये वाला कोड लगाना है MCMCTZ और फिर उसके बाद B और फिर उसके बाद ZDU4, ये जो है ना ये वाला कोड लगाना है। और फिर उसके बाद इधर जो है ना पहले वाले के अंदर अपनी कैरेक्टर आईडी डालनी है, सही से डालना, वरना ये जो भी रिवार्ड मिलते हैं वो किसी और के अकाउंट पे चले जाएंगे। वो रिवार्ड जो है ना नॉर्मल सी रिवार्ड है, ठीक है, कुछ खास नहीं। और नीचे जो है ना इसका वेरिफिकेशन कोड होगा, ये हर एक बंदे का अलग अलग होता है, 7R55 7H55। अब इधर से कर लेते हैं रिडीम। रिडीम पे जैसे तुम क्लिक करोगे डायरेक्टली तुम्हारे मेल सेक्शन में ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, और अगर तुमने रिडीम किया फिर से दोबारा तुम रिडीम नहीं कर सकते। ये जो न्यू इम्पोर्ट 16 वाला अल्टीमेट सीट है ना, इसके वाचर तुम्हें देखने को मिलते हैं, ठीक है भाई। तो चलो भाई इसका क्रिएट ओपनिंग आगे देख लेते हैं। आगे जाने से पहले एक लाइक टोकना लाजमी और ज़रूरी है, प्लीज़ टोक देना। और अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पर भी लाजमी से फॉलो कर देना। तो अब इसके पॉइंट भी मैंने निकाले थे, कुल मिलाकर 3,000 तक तो नहीं है, 2,600 थोड़े से इधर और भी रहते हैं। तो इसका एक और भी क्रिएट ओपनिंग की वीडियो लाजमी आएगी। तो इनमें से कौन कौन से आइटम्स हमारे निकलेंगे नो आइडिया, क्योंकि सारे के सारे आइटम्स मेरे पास पड़े 7 नहीं है, मतलब इनमें से 3 मिथिक हो गए और 4 लेजेंड्री हो गए। तो इधर से प्री वाले बेन भी हम लगा सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इधर से प्री वाले बेन लगाते हैं। यार एक चीज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हो जाता अगर इधर पिक में से सारे के सारे हम बेन कर सकते थे, मतलब नहीं होता है ना, 5 आइटम तुम कर सकते हो, 5 से ज़्यादा नहीं। और लेजेंड्री में से ये जो है ना प्री वाले बेन मैं लगाता हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना आ जाते हैं इजी करेंसी वाले पे कि कितने हम बेन कर सकते, ठीक है, वो भी एक बार फिर से चेकआउट कर लेते। तो अब इधर से हो गए 2 मिथिक मैंने कर दिए और 2 लेजेंडरी, कुल मिलाकर 2 इपिक हो गए। तो फिर उसके बाद अगर बात की जाए, एक बार फिर से हम आते इधर इजी करेंसी पे कर लेते हैं बेन। अबे यार मैंने कहा था ना 5 से ज़्यादा नहीं होती, 3 में और तक कर सकता हूँ। अरे यार अगर इसके अंदर सारे के सारे में बैन कर लेता ना तो फिर लेजेंडरी आइटम्स की चांसेस ज़्यादा होते, मतलब कि मेरे लेजेंडरी आइटम्स निकले। तो लेजेंडरी में से भी ज़्यादातर मतलब 80% मेरे पास पड़े हैं, 20% नहीं, कुल मिलाकर 4 तक है, 3 तक, 4 तक, हाँ 4 तक जो है ना मेरे पास नहीं। तो अब चलो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के इसका क्रेट ओपनिंग शुरू कर लेते। हो सकता है कि भाई कोई ढंग का चीज़ निकले, अगर मिथिक निकल गया फिर पैसा वसूल, भाई कि स्किप पे नहीं करना है। एक तरफ से ये वाला क्रेट ओपनिंग हो और ऊपर से स्किप पे हो, कुछ मज़ा नहीं आता है। तो क्या बोलते हो, क्या बोलते हो पब्लिक? चलो भाई एक मिथिक निकल गया और वो भी वो वाला मिथिक है जो ऑलरेडी मेरे पास है। तो इसके बाद फिर से ये कोर कर लेते, वैसे भी पॉइंट ज़्यादा पड़े भाई, 10,000 मतलब 10,000 प्लस मेरे पास पॉइंट पड़े थे। अगर मैं सारे के सारे जमा कर लेता 15,000 से भी ऊपर होने वाले थे, मगर भाई ये तो वही चीज़ है यार, अगेन वही, ये दोनों के दोनों मेरे पास पड़े, ये देखो दोनों के दोनों पड़े, माँ की आँख हो गई इनकी। चलो यार अब जो बंदा भाई इसका क्रेट ओपनिंग करना चाहता है ना, लास्ट दिन पे करो, तुम्हारे पास 4,000 से ज़्यादा प्री पॉइंट आ जाएंगे। यार फिर से वही चीज़ मिल गया, ये प्लेन फिनिश में मेरे पास ऑलरेडी पड़ा है। और एक बार फिर से कर लेते प्लीज़ यार, एक मिथिक सीट दे दो ना फिर पैसा वसूल है, एक मिथिक सीट सिर्फ और सिर्फ दे दो फिर पैसा वसूल है। इसके अंदर तो कुछ निकला ही नहीं। एक बार फिर से अनदर 10 भाई। यार ये इपिक तो इतने निकल गए कि पूछो मत, इपिक तो कुछ ज़्यादा ही निकल गए। सबसे पहले इधर से इसका मैप चेंज कर लेते हैं, क्योंकि लिविक्स जो है ना हमारे हिसाब से थोड़ा बहुत सही हो जाता है, मतलब कभी कभी जो है ना कोई ढंग का चीज़ निकल जाता है जब मैं लिविक को सिलेक्ट करता हूँ। तो अब एक बार फिर से कर लेते इसके अंदर भाई, अगर कोई ढंग का चीज़ निकले, वे माँ की आँख हो गई इनकी। ये देखो 5 दफा निकले, ये भी 5,
पूरी 3 दफा भाई, 4 दफा जो है ना ये अभी अभी निकले। अरे भाई सब वो चीज़ दे दो जो मेरे पास नहीं है, समझा करो बात को। ये पॉइंट भी मेहनत से ही बंदा इकट्ठे करता है। चलो भाई एक चीज़ आ गया, इनमें से शायद मेरे पास एक नहीं है, ये वाला। हाँ और ये दोनों तो ऑलरेडी है इन्वेंट्री में पड़े, ये दोनों के दोनों। चलो एक लेजेंडरी जो है ना अभी मुझे इस वक्त मिला है, एक लेजेंडरी आइटम, मतलब इतने पॉइंट यूज़ करके अभी जो है ना एक लेजेंडरी आइटम आया। और फिर उसके बाद अगेन प्ले फिनिश निकल गया, ओके प्ले फिनिश जो है ना अगेन निकल गया। और ये उजी का स्किन भी आया, मतलब इपिक आइटम बरबर के आ रहा है भाई, इपिक आइटम्स इतने आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि पूछो मत। अनदर 10, क्या बोलते हो पब्लिक, कोई चीज़ निकलेगा? नहीं निकलेगा। इधर देखो फिर से अगेन आ गई इपिक, काश के मेरे पास इसके इतने आइटम्स नहीं होते फिर मज़ा आ जाता, इसके अंदर भाई कोई ढंग का चीज़ दे दो। स्कारल का स्किन आ गया, ये स्कारल का स्किन भी, अरे भाई साहब फाइनली एक मिथिक निकल गया, ये वाला मिथिक मेरे पास नहीं था, ठीक है। और स्कारल का स्किन जो है ना ऑलरेडी इन्वेंटरी में पड़ा है, ठीक है। तो अब ये तो अगेन आ गया स्कारल का स्किन, और वो वाला मिथिक हेडगियर मेरे पास नहीं था, अगर सेट भी उसका निकल जाए ना फिर पैसा वसूल हो जाता है, मगर नहीं निकला। और पॉइंट भी कम हो गए भाई, पॉइंट बिल्कुल ख़त्म हो गए, कम तो छोड़ो बिल्कुल ख़त्म हो गए पॉइंट्स। ये देख अब एक और कर लेते हैं 10 वाला, पता नहीं हो जाएगा या फिर नहीं। ये वाला सेट अगर निकल जाए ना फिर पैसा वसूल है, या फिर दूसरा वाला 145 UC लगाओ भाई। एक UC भी ना लगा सकता हूँ, मगर एक भी UC नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर, दिमाग ख़राब है मेरा, वैसे भी कुछ निकलता ही नहीं, फिर इधर ऊपर UC भी लगाओ इसके। अबे माँ की आँख हो गई, इसके अंदर तो कुछ नहीं था। अगेन 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 वही इपिक आइटम निकला, अगेन कुछ नहीं निकला, खाली हाथ निकला भाई। 10,000 पॉइंट्स पे खाली हाथ निकला, 10,000 पॉइंट्स लगाए हैं ना, 10,000 में से एक मिथिक और एक लेजेंडरी मिला है, दोनों के दोनों हेडगियर, एक ये वाला मिला है और एक ये वाला, यार कसम से। अब बंदा क्या बोल सकता है पबजी वालों को, भाई इतने पॉइंट्स में तो कोई ढंग का चीज़ निकलना चाहिए, ब्लैक लगा, क्योंकि भाई कहानी इधर की उधर हो गई। तो ये रही भाई सब हमारी आज की वीडियो। खैर अगर आपने क्रिएट ओपनिंग किया है कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना कि तुम्हारा क्या क्या निकला था भाई। इधर तो सारे के सारे आइटम्स वो वाले मिल गए जो मुझे नहीं चाहिए थे, फिर भी बंदा क्या बोल सकता है। तो ये रही भाई सब हमारी आज की वीडियो, अगर पसंद आई हो थम्स अप ज़रूर दे देना, और कमेंट सेक्शन में लाजमी से बता देना कि इनमें से कोई ढंग का चीज़ तुम्हारा निकला था या फिर नहीं। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो बेल नोटिफिकेशन के साथ साथ। तो इंशाल्लाह हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखना और हम भी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।